कुछ दिन खास होते हैं, उनमें जुड़े हमारे जज्बात होते हैं, कुछ अनदेखी खुशियों का इंतजार कर रहे होते हैं, कुछ अपनों के सपने भी साथ होते हैं। बेवजह जब चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, यही तो पल यादगार होते हैं। कि गनीमत तुम्हारी चुकाए कैसे, यह जो प्यार हो गया है तुमसे उसे भुलाए कैसे। कि गनीमत तुम्हारी चुकाए कैसे, ये जो प्यार हो गया है तुमसे अब इसे भुलाए कैसे। यूं तो अफसाने रोज मिलते हैं, पर मुकद्दर पे जो नाम लिखा था तेरा उसे मिटाए। दूर ही जाना था तो पास क्यों आया था, इतने करीब कि तेरे दूर जाने के डर से मैंने मर ही जाना था। तू मेरी कमजोरियों से वाकिफ हो चुका था, शायद इसलिए तो तुम्हें यह कर डाला था। कि तुझे बदलना ही था खुद को, तो पहले मुझे क्यों बदल डाला था। क्या होता है ना, इश्क के मंजर में लोग अक्सर बदल जाया करते हैं। यूं तो कहते हैं कि प्यार उससे करो जो जैसा है, पर न जाने के लोगों के ख्याल पलट जाया करते हैं। मुझे बदलना ही था खुद को, तो पहले मुझे क्यों बदल डाला था। कि हर आलम में मैंने पाया सिर्फ तेरा साया था। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, कोई आ गई है तुम्हारी जिंदगी में, या मुझसे ही मन भर गया है। यूं ही बदल गए हो तुम, या मुझसे कुछ गलत हुआ है। अरे बताते तो जाओ मेरे दोस्त, वरना हम खुद को कोसते रहेंगे। तुम्हारी पुरानी यादों को यूं ही इस तरह बस खरोचते रहेंगे। तुमसे की वो तमाम बातें मुझे याद आती है, तुम्हारी वो वादे और कस्में मुझे फिर बिखेर जाती है। तुम कहा करते थे मैं औरों सा नहीं हूँ, जो अक्सर हर लड़का कहते हैं कि तुम कहा करते थे मैं औरों सा नहीं हूँ, तुम भरोसा तो करो मुझ पर। क्यों तुम दूर जाकर फिर से एक बार सब लड़कों पर सवाल उठा जा रहे हो, क्यों इस कदर बेहाल मुझे छोड़ जा रहे हो। कि बात अब भी हो रही है हमारी, वो स्टेज होता है ना साथ होकर भी साथ नहीं होते, तो बात अब भी हो रही है हमारी, पर उन बातों में हम नहीं, मैं और तू हो गया है। मिलने को अक्सर तुम बुलाया करते थे, मेरे नखरे दिखाने पे रूठ जाया करते थे। कि मिलने को अक्सर तुम बुलाया करते थे, मेरे नखरे दिखाने पर रूठ जाया करते थे, पर अब जब मैं बुलाती हूँ तुम्हें, जो तुम्हें मेरे ही नाम पे न जाने कौन से दोस्त मिल जाते हैं, मेरे ही नाम पे न जाने कौन कौन से पुराने काम भी याद आ जाते थे। किसी और से मुझे जलने की बू फोन में से आ जाती थी, ओवर पॉजिटिवनेस। जब मैं बात करा करती थी किसी और से, मुझे जलने की बू फोन में से आ जाती थी, और अब तुम्हें मतलब ही नहीं है। जब मैं अपनी बकबक, अपने किस्से, अपनी कहानियां सुनाया करती थी, तुम झट से जवाब दिया करते थे, और शायद तुम्हें ज्यादा प्यार अपने उस शब्द हम से हो गया। अगर यूं ही बदलना था तो आना ही नहीं चाहिए था, अगर इस तरह बिखेरना था तो जुटाना ही नहीं चाहिए था। जीती थी ना मैं अकेली, शायद फिर भी जी लूंगी। टूटा ही सही, दिल है तो सही, तुम्हारी पुरानी यादों के सहारे याद भर लूंगी। कि महफिलें यूं सज जाती है, आजकल लिखा है कि महफिलें यूं सज जाती है, आप लोगों की वजह से ही इसमें चमक आती है। लिखते तो बहुत अरसे से थे हम, अब लोगों की नजर में आपकी वजह से ही आ पाते हैं। एक क्लास ये कि जैसे लाइक हम मेट्रो से आते हैं या मॉल से निकलते हैं, तो बाहर लोग खड़े होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं, जो बहुत ओल्ड होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, तो उनके लिए कुछ लिखा है कि भीख नहीं मतलब लाइक कुछ बेच रहे होते हैं छोटी मोटी चीजें। कि भीख तो नहीं मांग रहे वो, इसी बात की परख रख लो। कि भीख तो नहीं मांग रहे वो, इसी बात की परख रख लो। एक फुक्का लेने को ही तो कह रहे हैं, 10 रुपए ही तो है, खर्च लो। यूं भी तो मॉल से ही निकले हो, यूं भी तो मॉल से ही निकले हो, खर्चे होंगे तुमने कुछ पैसे तो बेकार में भी। ऐसे ही खर्च देते हैं हम लोग, वहां तो टिप भी दे आते हैं। कि यूं तो भी तो मॉल से निकले हो, खर्चे होंगे तुमने कुछ तो पैसे बेकार में भी, उसकी चाय पानी का भी तो ख्याल कर लो।